चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सभी लोग। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू थ्री प्रोसेस 1, 2, 3 बिफोर इट बिकम्स रेडी फॉर सेल। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। पर्टिकुलर्स प्रोसेस 1, 2, 3 रॉ मटेरियल यूज्ड केजीज, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर केजी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड्स, नॉर्मल लॉस परसेंटेज, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट, एक्चुअल आउटपुट। देखिए अभी इसमें एक्चुअल आउटपुट दिया है ना, राइट? अगर ये आउटपुट दिया होगा तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। अगर आउटपुट नहीं है तो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, आउटपुट सोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ओके, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, फाइन। चलिए तो एक एक करके बनाइए, पहले प्रोसेस वन अकाउंट बनाइए। प्लीज प्रिपेयर प्रोसेस वन अकाउंट। बबलू ने पेपर अच्छा लिखा है लेकिन कॉलम्स एक ही लाइन बनाया जैसे हमेशा बनाता है। चलिए, हाँ पेपर देता हूँ जाते वक्त। चलिए चले स्टार्ट। क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में? टू इनपुट कितना है? 30,000 यूनिट्स है ना। और उसका रेट क्या बोला है? 15 रुपीज। सो 30,000 इंटू 15, 30,000 इंटू 15, 4,50,000, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 1,50,000। फिर टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना है? 1,20,000। इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड्स, नॉर्मल लॉस, ट्वेल्व हंड्रेड है ना। तो 1,200 इंटू 5 रुपीज में बिक रहा है ना, वो 6,000 आएगा, राइट। अभी क्या निकालने का? सीपीयू। प्रोसेस वन,
सीपीयू का ये फॉर्मूला है राइट, डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, सेवन लाख 41,200 ना, ओके okay. 8,41,200 है ना, माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 माइनस 29 ठीक है, 29 आया ना सबको सीपीयू। अभी एक मिनट क्वेश्चन में देखिए, आपने का आउटपुट दिया हुआ है, तो अगर आउटपुट दिया है तो वो आउटपुट अपने को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखने का बाय आउटपुट कैरीड डाउन, बाय आउटपुट कैरीड डाउन कितना दिया है, 28,500 ठीक है, 28,500 ओके। और जब भी आउटपुट कैरीड डाउन दिया रहेगा तो इसमें डिफरेंस बचता है क्या देखने का, इट विल बी आइदर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। अभी ये मेरे ख्याल से 29,700 हो रहा है ना क्रेडिट साइड का टोटल, हाँ तो पहले क्वांटिटी को बैलेंस कर देंगे, 30,000 हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस कितना आ रहा है 300 यूनिट, कैसा है क्लियर है ना, बैलेंसिंग फिगर हाँ, क्वांटिटी कॉलम का बैलेंसिंग फिगर, और इसका वैल्यूएशन उसी पे करने का सीपीयू पे, कितना है सीपीयू 29 है ना, सो 300 इंटू 29 8700 ठीक है, एट लाख 41,200 एक मिनट 8,41,200 माइनस 6,000 माइनस 8,000 हाँ, इसके सीपीयू भी चेक कर लेना, उतना ही आ रहा है ना, ठीक है ना, ये सम मैंने इसके लिए लिया है क्योंकि ये पार्ट सेल वाले में भी है ना एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आ सकता है। इन शॉर्ट क्वेश्चन में चेक करने का, अगर आपको आउटपुट दिया है दैट मीन्स देर इज अ चांस ऑफ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, चाहे कोई भी टाइप हो, ओके, इफ आउटपुट इज गिवन यू विल गेट एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन राइट। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ ना, ये बाय आउटपुट कैरी डाउन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू आउटपुट ब्रॉड डाउन, टू आउटपुट ब्रॉड डाउन कितना है 28,500 एंड 8,26,500 ठीक है। अभी
क्या बोला है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना है, 70% है ना, तो बाई प्रोसेस टू कितना परसेंट बोला है, 70%, तो इसका 70% ले लो, 28,500 इंटू 70% कितना आ रहा है, 19950। और नेक्स्ट प्रोसेस पे किस पे ट्रांसफ़र होता है, सीपीयू पे, ठीक है ना, 19950 इंटू 29, 5,78,550। और 30% सोल्ड है ना, तो बाय सेल 30%, ठीक है, और सेल दिया है तो सेलिंग प्राइस भी दिया होगा, कितना है सेलिंग प्राइस, 32 है ना, तो 8550 दैट इज दिस इंटू 32, ठीक है। अभी इसको क्लोज करने का क्वांटिटी कॉलम टैली हो जाएगा, ओके, लेकिन इसमें फर्क आएगा, किस में, हाँ अमाउंट में फर्क आएगा, दैट विल गो टू कॉस्टिंग पीएनएल, तो टू टू कॉस्टिंग पीएनएल, तो ये प्रोसेस वन अकाउंट हो गया अपना, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें, ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस लेके, प्रोसेस टू, यहाँ पे बाई प्रोसेस टू है तो इधर क्या हो जाएगा, टू प्रोसेस वन, ठीक है ना, यही जो है यहाँ पे आगे आ जाएगा। अभी सेम प्रोसेस टू का भी खर्चा लिखना है, प्रोसेस टू में रॉ मटेरियल आएगा कितना, 50 टू रॉ मटेरियल, फाइव जीरो 18 rupees है ना उसका वैल्यू, तो दिस इनटू 18, ठीक है, निकाल दो ना उसको जब ये हो गया होता, हाँ और क्या, चलिए सेकेंड प्रोसेस का खर्चा देखिए कि अभी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस 1,70,000, डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद डायरेक्ट वेजेस 1,00,000, डायरेक्ट वेजेस के बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल 9,205, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओ
119,345. फिर क्या है? बाई नॉर्मल लॉस. सिक्स परसेंट किसका लेने का? ये दोनों ऐड करने का. पहले 199 कितना है? 199,590 है ना, प्लस 5050 25,000 होता है ना. 25,000 का कितना परसेंट? 6%. 1500 आ रहा है ना. और उसका रेट क्या है बेचने का? 7. सो 1500 इंटू 7 10,500. क्या निकालेंगे अभी? सीपीयू, प्रोसेस 2 का सीपीयू. इसका टोटल कितना होता है? 10,68,000 है ना. माइनस 10,500 ना. माइनस 10,500 डिवाइडेड बाय 25,000 माइनस कितना? 1,500. फोर्टी फाइव आता है. सीपीयू 45 आ रहा है ना सबका? नहीं आ रहा है. ठीक है, अभी आउटपुट लिखने का. सीपीयू लिखने के बाद बैलेंस नहीं करने का. आउटपुट कितना है? 23,700 बाय आउटपुट कैरीड डाउन. कितना? 25 है ना क्वांटिटी कॉलम. क्रेडिट का कितना है? मेरे ख्याल से ज्यादा है. 25,200 है ना. तो पहले हैवियर टोटल दोनों तरफ लिखेंगे. ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड तो इसको क्या बोलेंगे? टू एबनॉर्मल गेन हो जाएगा. टू एबनॉर्मल गेन 200 आएगा ना. और इसका वैल्यूएशन सीपीयू पे होगा 200 × 45 9,000. ठीक है ना. अभी अमाउंट कॉलम को क्लोज कर दो. ठीक है, यहां तक हुआ. अभी ये सेम आउटपुट आके क्या हो जाएगा?
टू आउटपुट ब्रॉड डाउन हो जाएगा। एक मिनट है, शायद इधर थोड़ी जगह कम पड़ रही है। टू आउटपुट ब्रॉड डाउन कितना है? 23,700 10,66,500। ठीक है, कितना परसेंट सेल किया है, कितना परसेंट ट्रांसफ़र किया है? 60% ट्रांसफ़र किया है ना, बाय प्रोसेस थ्री। उसमें कभी ऊपर सेल दिया रहता है, कभी नीचे वो दिया रहता है, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा लिखने का। बाय प्रोसेस थ्री कितना परसेंट है? 60% है ना, प्रोसेस थ्री 60%। तो 23,700 का 60% 14,220। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रोसेस में किस पे ट्रांसफ़र होगा? सीपीयू पे। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 45। सीपीयू 45 है ना इसका। ठीक है, और कितना परसेंट सेल हुआ है? 40%। तो सेल किस पे करने का? सेलिंग प्राइस पे। 44 है ना सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसमें भी क्वांटिटी कॉलम क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो डिफरेंस बचेगा वो कहाँ चला जाएगा? मेरे ख्याल से लॉस आ रहा है, शायद लॉस आ रहा है क्योंकि हाँ, मतलब वो उस तरफ लिखना पड़ेगा, ये कॉस्टिंग पीएनएल इधर नहीं आएगा, बाय में आएगा। हाँ, नहीं नहीं, ये वाला जो है ये नहीं आएगा। हाँ आएगा उतना ही, लेकिन इस तरफ आ रहा है ना। ठीक है, प्रोसेस टू हुआ यहाँ तक सबका। चलिए प्रोसेस थ्री बनाएंगे अभी, यहाँ पे बाय है ना, तो टू प्रोसेस टू आएगा इधर। कितना है? 14,220,63,990। ठीक है, यहाँ तक लिखा सब लोग ने। प्रोसेस थ्री का खर्चा लिखेगी अभी,
रॉ मटेरियल कितना है 3780, क्या वैल्यू है उसका 22। बाकी का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस, वन लैख 90। फिर डायरेक्ट वेजेस, कितना है डायरेक्ट वेजेस, वन लाख। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल, कितना 6560। फैक्ट्री ओवरहेड्स, कितना है फैक्ट्री ओवरहेड्स 87 740। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या दिया है अभी, नॉर्मल लॉस 8% ना, वन फोर फोर जीरो। ठीक है, कितने में बिक रहा है ये, ओके ओके। अभी सीपीयू निकालिए, इलेवन लैख 7360। प्रोसेस 3 है ना ये, इलेवन लैख 7360 है ना, माइनस 14400। कितना आ रहा है सीपीयू, 66 आ रहा है ना सबको। चलिए अभी आउटपुट लिखेंगे, कितना है 16500।
16 कितना है? 16,500 है ना? ठीक है, डेबिट का 18 है, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है चेक कीजिए? 40 कॉलम है खाली, कितना आ रहा है क्रेडिट का टोटल? ओके 17,940, मतलब ये डेबिट वाला ज़्यादा है ना, तो 18,000 दोनों तरफ लिखेंगे ना, हैवियर टोटल। बाय एबनॉर्मल लॉस, सिक्सटी को सीपीयू से मल्टीप्लाई करने का ना, 60 × 66 कितना? 3,960। कितना आ रहा है इसका सीपीयू चेक करो, उतना आता है क्या? कितना आ रहा है सीपीयू? 66 टू आउटपुट, ठीक है ना? इसमें शायद 100% सेल है ना, ₹70। ₹11,55,000 क्रेडिट का ज्यादा है ना, टू कॉस्टिंग, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट। अभी ये क्वेश्चन इतना ही है, इसमें बोला नहीं है, लेकिन हम लोग है ना, मैं खाली आपको प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। हम लोग 3 अकाउंट बनाते हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, ठीक है ना? क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन ये पेपर में मैंने देखा बहुत कम लोगों ने वो अकाउंट बनाए, तीनों खाली प्रोसेस अकाउंट बनाए बस, ठीक है? तो खाली प्रैक्टिस के लिए हम लोग बना रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन में नहीं बोला है, क्वेश्चन में उसने खाली प्रोसेस अकाउंट ही बोला है, देखिए प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट ही बोला, राइट? अगर ऐसा बोला रहेगा तो आप लोग नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ हम लोग हमारे प्रैक्टिस के लिए बना रहे, राइट? तो पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे? नॉर्मल लॉस अकाउंट। ओके, तो बनाइए नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट ठीक है, अभी ध्यान से देखिए ये कैसे बनता है, डिफिकल्ट नहीं है जरा भी। बहुत से जन ने नहीं बनाया, पता नहीं क्यों, तो टाइम 1 घंटा तुम लोग को, आधे घंटे का समय हो, तो मेरे को सब इन्फॉर्मेशन फोन पे मिल रहा था, आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेरी छोटी वाली लड़की तो मेरे से भी कड़क है।
चलिए अभी यहाँ पे बाई नॉर्मल लॉस है ना, तो इधर आएगा टू प्रोसेस वन, क्या आएगा टू प्रोसेस वन, कितना क्वांटिटी है 1200 और वैल्यू कितना है 6000, 1200 और 6000, ठीक है ना। देखिए अभी पहले प्रोसेस वन में से हम लोग ने लिया ना ये, अभी जाके देखने का प्रोसेस वन में अबनॉर्मल गेन है क्या, नहीं है ना। तो अगर एबनॉर्मल गेन नहीं है तो इसको एज इट इज बेच देने का, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैंक सेम, बाई बैंक अकाउंट 1200 और 6000, सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, 1200 और 6000, ठीक है ना। चलिए अभी आगे देखेंगे प्रोसेस टू में, राइट, प्रोसेस टू में हाँ बाई नॉर्मल लॉस है ना, तो टू प्रोसेस टू आएगा, टू प्रोसेस टू कितना 1500 है ना, और वैल्यू कितना है उसका 10500, ठीक है ना। अभी प्रोसेस टू में देखने का एबनॉर्मल गेन है क्या, प्रोसेस टू में एबनॉर्मल गेन है ना, तो इधर टू एबनॉर्मल गेन है ना, तो इधर बाय एबनॉर्मल गेन हो जाएगा, खाली क्वांटिटी लेने का, क्वांटिटी ठीक है ना, बाय एबनॉर्मल गेन कितना है 200 है ना, तो यहाँ पे क्वांटिटी में लिखने का 200, ठीक है। और ये एडजस्ट होगा वही नॉर्मल लॉस के वैल्यू से, राइट। प्रोसेस टू का नॉर्मल लॉस क्या रेट पे बिक रहा है, 7 रुपया, तो 200 × 7 करने का, 200 × 7 कितना होगा 1400, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 1500 में से कितना यूनिट्स एबनॉर्मल गेन में एडजस्ट हुआ, 200 यूनिट्स एडजस्ट हुआ ना, तो बचा कितना है 1300 को बेचने का, राइट। बाय बैंक कितना यूनिट्स आएगा 1300, और वो रेट वही रहेगा, 7 रुपया रेट है ना, तो 1300 × 7, राइट। इसमें यही खाली देखना होता है जहाँ पे एबनॉर्मल गेन है ना उसके यूनिट्स एडजस्ट करने होते हैं, क्या एडजस्ट करना होता है यूनिट्स, उसका वैल्यू वो नहीं लेने का, वैल्यू जो नॉर्मल लॉस का रेट है ना वही रेट से मल्टीप्लाई करने का, राइट, और डिफरेंस फिर बेच देने का बाकी का जो यूनिट्स बचा है वो, ओके हाँ फाइन। तो ये हो गया मेरे ख्याल से प्रोसेस टू में इतना ही है, अभी प्रोसेस थ्री में जाएंगे, प्रोसेस थ्री में भी है ना, प्रोसेस थ्री में बाई नॉर्मल लॉस कितना है 1440 है ना, तो टू प्रोसेस थ्री आएगा यहाँ पे, सॉरी टू प्रोसेस थ्री कितना है क्वांटिटी बोलिए, 1440 है ना क्वांटिटी, और वैल्यू कितना है 14400। अभी इसमें भी नहीं है ना एबनॉर्मल गेन, तो ये एज इट इज बिक जाएगा, कितना है बाई बैंक सेम 14440 और 14400, ठीक है। ये इतना करने पे आपका नॉर्मल लॉस अकाउंट जो है वो टैली हो जाता है, मतलब इक्वल आता है, ठीक है। चलिए हो गया नॉर्मल लॉस अकाउंट, हो गया ये टाइम टॉपर वही थी, वो एग्जाम क्यों नहीं दी पता नहीं, अंतिमा। चलिए
हाँ वो भी नहीं दी पेपर। चलिए यहाँ पे बाय एबनॉर्मल लॉस है ना, तो इधर क्या लिखने का, टू प्रोसेस वन, टू प्रोसेस वन, कितना क्वांटिटी है 300 और वैल्यू कितना है, हाँ सो 300 और 8700, ठीक है ना। जब प्रोसेस में से लिखते तो पूरा लिखना है, ओके। अब यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है, इसको भी अपने को बेचना है, इसको भी क्या करना है, बेचना है। तो यहाँ पे लिखने का बाय बैंक अकाउंट, क्या लिखने का, बाय बैंक अकाउंट, राइट। लेकिन ये है ना, इसका क्वांटिटी 300 आएगा, ओके। वैल्यू ये नहीं आएगा क्योंकि ये वैल्यू सीपीयू है, सीपीयू पे नहीं बिकेगा वो, राइट। क्या करने का, ये नॉर्मल लॉस के रेट पे ही बिकेगा ना। इसमें लोग यहाँ पे नॉर्मल लॉस में हम लोग डायरेक्टली पूरा पूरा लिख देते हैं क्योंकि ये नॉर्मल लॉस का ही वैल्यू रहता है ना। एबनॉर्मल लॉस में हम लोग पूरा एज इट इज़ बाई में नहीं लिख सकते क्योंकि ये सीपीयू है, ठीक है ना। और सीपीयू पे नहीं बिकेगा वो, नॉर्मल लॉस के रेट पे ही बिकेगा, राइट। तो प्रोसेस वन का नॉर्मल लॉस क्या रेट पे बिक रहा है, देखिए, हाँ 5 रुपये। तो इसको 5 रुपये पे बेचने का, समझ में आया ना, 300 × 5, क्लियर है। लोग गलती क्या करते हैं कि नॉर्मल लॉस में जैसे बाई बैंक में पूरा लिख दिया ना, नॉर्मल लॉस में लिख सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल लॉस का ही रेट है, राइट। लेकिन ये वाला रेट नॉर्मल लॉस का नहीं है ना, ये सीपीयू है, सीपीयू पे थोड़ी बिकेगा वो, बिकेगा किस पे, नॉर्मल लॉस के रेट पे, ठीक है ना। तो नॉर्मल लॉस से रेट से इसको मल्टीप्लाई करने का, राइट। अभी इसमें और एक है ना, मेरे ख्याल से शायद प्रोसेस टू में नहीं है एबनॉर्मल लॉस, लेकिन प्रोसेस थ्री में है ना, प्रोसेस थ्री में है ना एबनॉर्मल लॉस, हाँ। तो वो भी लेने का सेम उसको ट्रीटमेंट देना है। प्रोसेस थ्री में क्या है, बाय एबनॉर्मल लॉस है, तो टू प्रोसेस थ्री लिखेंगे, टू प्रोसेस थ्री, कितना क्वांटिटी है, 60 और 3960, ठीक है। इसको भी हम लोग बेचेंगे, राइट, बाय बैंक क्वांटिटी ले लेने का 60, लेकिन ये सीपीयू पे नहीं बिकेगा ना, वो नॉर्मल लॉस के रेट पे बिकेगा, राइट। क्या क्या रेट है नॉर्मल लॉस का, 10 रुपये है ना, हाँ। तो 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, ठीक है। इसमें भी है ना क्वांटिटी टैली होगा, अमाउंट में डिफरेंस बचेगा, वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, कहाँ जाएगा, इसको लगा दो जरा, एक मिनट, हाँ चलिए भाई, कॉस्टिंग पीएनएल कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अपने को ये भी बनाना पड़ेगा, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन शायद प्रोसेस टू में आया ना, प्रोसेस टू में टू एबनॉर्मल गेन है ना, तो बाय आएगा, बाय प्रोसेस टू ना, कितना है, 200 यूनिट्स है,
और वैल्यू कितना है? 9000, 9000 है ना वैल्यू। ठीक है, अभी इसको क्या करने का मालूम है, हम उन लोग ने एबनॉर्मल गेन एडजस्ट किया ना नॉर्मल लॉस अकाउंट में, उसका एक इफेक्ट इधर दे देने का, ये एक ही इफेक्ट है ना, हाँ इधर बाय है ना, तो टू नॉर्मल लॉस 200 यूनिट, टू नॉर्मल लॉस 200, हाँ जैसा है वैसा 1400 है ना वैल्यू। ठीक है, हो गया, अभी इसका भी क्वांटिटी टैली हो जाएगा। क्वांटिटी टैली हो जाएगा और जो डिफरेंस बचेगा वो जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में। टू 7600 कितना आ रहा है? 7600, ठीक है।